गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंची हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं और इस बीच अब वह गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो 6 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद अब मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचे और अब वह गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर ये मुलाकात महत्वपूर्ण है और इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में उपचुनाव भी होना है, उसको लेकर भी मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज ही अहमदाबाद पहुंचेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है 17 तारीख को, तो सीएम का वो दौरा भी महत्वपूर्ण रहेगा। पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुकी है मेरे साथ राजीव तिवारी। राजीव, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस समय गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात चल रही है। एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गृह मंत्री के आवास पहुंचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, जब कल विदेश से लौटे थे मुख्यमंत्री, उसके बाद से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, प्रदेश में उपचुनाव है और राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री दो देशों के दौरे पे थे, तो वहां क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, किस तरह का निवेश आ रहा है, यह तो महत्वपूर्ण है, इसको तो लेकर चर्चा करेंगे ही। लेकिन उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपचुनाव में कैसे उपचुनाव में 6 की 6 सीटें जीती जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही रणनीतिक रूप से काम कर रही है, पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। और कहां से किसे उम्मीदवार बनाना होगा, प्रदेश में क्या स्थिति है पार्टी की, इसको भी लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान भी चला रही है, उस तरह के रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहे हैं जो इंटरनल रिपोर्ट आई है राजस्थान को लेकर। तो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के यहाँ पे चर्चाएं चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, अगर बात किया जाए तो राजस्थान में जो कुछ स्थितियां बिगड़ रही हैं और आने वाले समय में स्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं, जैसे हिंदू शोभा यात्राओं पे जो पथराव हो रहा है, तो आखिर पथराव क्यों हो रहा है, इनके पीछे वो कौन लोग हैं, यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसकी चर्चा दिल्ली में भी हो रही है कि राजस्थान के कई जिलों में, सिर्फ भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि कई जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो आखिर इनके पीछे किसका हाथ है, यह एक बड़ा मुद्दा बन गया और गृह मंत्रालय इस पर नजर बनाया हुआ है। हो सकता है कि इस मुलाकात में इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही राइजिंग राजस्थान, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए सरकार पूरी ताकत से जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विदेश दौरे पर जा रहे हैं, तमाम कंपनियों के सीईओ और तमाम औद्योगिक घराने के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और निवेश को लेकर उनको आमंत्रित कर रहे हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सफल बनाने के लिए राजस्थान सरकार जो है 20 नई पॉलिसी ला रही है, औद्योगिक नीति ला रही है, जिसको जो है इस जो बैठक होगी राइजिंग राजस्थान जब सेलिब्रेट किया जाएगा दिसंबर में, तो उसमें लॉन्च किया जाएगा। तो तमाम तरह के निवेश लाने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। लेकिन उपचुनाव और राजस्थान में जिक्र किया जाए या फिर राजस्थान में उपचुनाव जो होने वाली है 7 सीटों पर, उसका भी जिक्र होगा। इसके अलावा हरियाणा में विधानसभा भी चुनाव नजदीकी है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को वहां पर स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो क्या उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है राजीव? बिल्कुल, देखिए इस समय देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे राजस्थान के लोग निवास न करते हों, और खास करके मड़वारी समाज के लोग जो है, जो उद्योगपति हैं, हर प्रदेश में उनका कारोबार है, तो चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात कीजिए या हरियाणा की बात कीजिए, यहां दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को स्टार प्रचारक बनाया गया है। और ऐसे में कोशिश भजन लाल शर्मा ये रहेगी कि जो राजस्थान के लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, उनको अपने हिसाब से जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए, वोट करने के लिए अपील करें। तो इस बात को भी लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से हरियाणा में चुनाव को कैंपेन करना है, कितने लोग हैं और कैसे जोड़ना है लोगों को, क्योंकि देखिए हरियाणा में चुनाव की जिम्मेदारी है, चुनाव प्रभारी जो है वह सतीश पुनिया को बनाया गया है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हरियाणा में कैसे जीत सुनिश्चित करनी है, इसको भी लेकर इस मुलाकात में चर्चाएं की जाएंगी। और कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है कि कुछ जो महत्वपूर्ण जगह होते हैं जहां पे दूसरे राज्यों के लोग निवास करते हैं, कारोबार करते हैं, उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा और वहां के लिए भी कैंपेन के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी बिल्कुल, जाहिर है राजीव, देखिए अभी गृह मंत्री से मुलाकात उनकी चल ही रही है और गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे हुए हैं, ये मुलाकात भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है जिस तरीके से आपने जो जानकारी दी है।
क्या इसके अलावा किसी और से मुलाकात हो सकती है राजीव? देखिए अभी तक जो जानकारी थी वो यही थी कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और यही चर्चा कल भी थी, लेकिन कल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पे दोपहर 12 बजे यहाँ से रवाना हो गए थे। उसके बाद यह चर्चाएं चल रही थी कि हो सकता है कि कोई दूसरा तारीख मिले और उस पर मतलब दूसरे दिन मुलाकात हो, तो वह समय आज का निर्धारित किया गया था। आज मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात में कई राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा की जाएंगी, कुछ इंटरनल बातें होती हैं उसको भी लेकर लोग चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में कैसे संगठनात्मक रूप से और कैसे सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाना है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा किया जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि यहां से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अहमदाबाद के लिए जा सकते हैं और अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में कई कार्यक्रम है, कल शाम को बड़ा सेलिब्रेशन भी वहां पर होना है। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अहमदाबाद में है, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली से भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और दूसरे राज्यों से भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। जो वहां पर सेलिब्रेशन होगा उसमें सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, उसी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, और वहां प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात भी होगी। और राइजिंग राजस्थान को लेकर अभी तक के जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो तमाम निवेश की बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ टारगेट रखा गया है, कितना अचीव कर लिया गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री पीएम से चर्चा कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, अधिक जानकारी।